मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। कोरोना की दूसरी वेव और दूसरी वेव से हम भारतवासियों की लड़ाई जारी है। दुनिया के अनेक देशों की तरह भारत भी इस लड़ाई के दौरान बहुत बड़ी पीड़ा से गुजरा है। हम में से कई लोगों ने अपने परिजनों को, अपने परिचितों को खोया है। ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। साथियों, बीते सौ वर्षों में आई ये सबसे बड़ी महामारी है, त्रासदी है। इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी थी न अनुभव की थी। इतनी बड़ी उसके बाद हमने पूरी कोशिश की है कि लोगों के ऊपर कम से कम बोझ इन मुश्किल दिनों में पड़े। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हमने पेट्रोल और डीजल और ये केरोसिन ऑयल की जो हमने कीमतें कम की हैं, ये इस वक्त हम सारे बर्रे सगीर के अंदर सबसे कम पेट्रोल और डीजल की कीमत पाकिस्तान में है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने एक महीने के अंदर 30 रुपए हमने पेट्रोल की कीमत कम की है। पहले हमने 15 रुपए कम की थी, अब फिर हमने 15 रुपए पेट्रोल की कीमत कम की है। तो एक महीने में 30 रुपए सिर्फ पेट्रोल की कीमत कम की है। डीजल की कीमत पहले हमने 15 रुपए कम की थी, अब 27 रुपए हमने कम की है। तो पूरी 42 रुपए डीजल की कीमत कम की है। याद रखेंगे, डीजल वो फ्यूल है जो इस्तेमाल करते हैं जो हमारे ये किसान, अब कटाई का वक्त है गंदम की कटाई का, तो किसान भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट में ये इस्तेमाल होते हैं, इसका असर सारी जगह पे जाता है। तो जब 42 रुपए डीजल की कीमत कम हुई है, तो मैं आज सारे चीफ सेक्रेटरीज को मैसेज पहुंचाई है कि आप अब सारे अब इसका फायदा उठाते हुए बाकी लोगों को भी कहें, जो भी काम मसद फ्लावर मिल्स हैं, जो भी डीजल को इस्तेमाल करती हैं, सबकी आप जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी कीमतें कम करें, क्योंकि जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो सारी कीमतें बढ़ा देते हैं। अब अगर 42 रुपए डीजल की कीमत कम हुई है तो इसका मतलब सारी चीजों की अब कीमतों को नीचे आना चाहिए और आम लोगों की आसानी होनी चाहिए।